बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, क्लास 8 मैथमेटिक्स, डोमेन 1 नंबर्स एंड ऑपरेशंस, सब डोमेन 3 स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.8 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि नीचे दिए गए जो नंबर्स हैं इनका हमने स्क्वायर रूट जजरुल मुरबा मालूम करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी कि पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक हमने इनका आंसर निकालना है स्क्वायर रूट्स का। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.8 क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट दोबारा रीड करेंगे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है नीचे दिए गए पार्ट्स का अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने आंसर निकालना है। तो स्क्वायर रूट यानी कि जजरुल मुरब्बा निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन है फोर्थ पार्ट में 7 का हमने स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे। इसके बाद अब हम यहां पर इसका प्रोसेस करने जा रहे हैं 7 का स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से। अब यहां पर 7 हमें गिवन है, तो हमने कुछ सेम नंबर्स देखने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने से या तो 7 आए या इससे लेस आए। तो इसके लिए हम अगर 2 पर करेंगे तो 2 2's 4 हमारे पास आंसर आता है। अगर हम इसको 3 कर देंगे, यहां पर भी 3 करना पड़ेगा, 3 3's 9, 7 से ज्यादा हो जाएगा, लिहाजा 2 पर ही करना पड़ेगा। इसको माइनस करेंगे, 7 में से 4 माइनस किया तो 3 रिमाइंडर बचता है। अब इसके बाद हमने क्योंकि 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर निकालना है, तो डेसिमल प्लेस तक निकालने के लिए हमें पॉइंट चाहिए, और पॉइंट के बाद हम जो है ना जीरोस लगा के नीचे उतार सकते हैं। इसी सूरत में हम आगे इस क्वेश्चन को चला सकते हैं अगर हम पॉइंट लगाते हैं, यानी कि इशारिया लगाते हैं। तो इशारिया लगाते हैं, यहाँ पर हमें आंसर में भी पॉइंट लगाना पड़ेगा। इसके बाद हम जितनी जीरोस हैं उतार सकते हैं, तो हम एक जीरो का पेयर लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि जो हमारी रूट डिवीजन होती है जजरी तकसीम, इसके अंदर पेयर की शक्ल में नंबर नीचे आते हैं। ये जीरोस का पेयर बनाया और नीचे उतारेंगे, ये हमारे पास 300 हो गया। अब हम जानते हैं कि इसको हम यहाँ पे डबल करके लिखते हैं, ये 4 हो जाएगा। 4 के साथ यहाँ पर और यहाँ पर कोई सेम नंबर मिलाना है जिससे हमारा आंसर या तो 300 आए या 300 से लेस आए। तो 4 के साथ अगर हम 5 मिलाते हैं तो यहाँ पर भी 5 लगाना पड़ेगा, 5 5's 25, 25 का 5 लगेगा 2 कैरी आ जाएगा, 5 4's 20, 5 4's 20, 20's 2 22, 225, 225 आ गया। अब यहाँ पे देखें 300 है, तो 225 एक लेस नंबर है, स्मॉलर नंबर है। हम इसको 6 पर ट्राई करके देखते हैं, यहाँ पर भी 6 लगाया, इधर भी 6 लगाया 4 के साथ, तो 6 6's 36, 6 6's 36, 36's 6 लगेगा, यहाँ पर 3 कैरी आ जाएगा, 6 4's 24, 6 4's 24, 24 में 3 ऐड किया तो 27 27 आ जाएगा, 276। अब यानी कि ये 225 था, इससे ज्यादा करीब तक हमारे पास 6 से मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। अब हम इसको 7 पर भी ट्राई करके देख लेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करने से 7 7's 49, 49 का 9 यहां पर लगेगा और 4 कैरी आ जाएगा, 7 4's 28, 28 में 4 ऐड किया तो 32 329, ये हमारा 300 से ज्यादा हो गया, लिहाजा हम इसको भी नहीं ले सकते, इसको भी नहीं ले सकते, ये करीब तर है। इसको इस्तेमाल करेंगे, यहां पर 6 लगाएंगे, यहां पर भी 6 लगाएंगे, 46 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 276 आया, 276 माइनस करेंगे इसमें से, 0 में से 6 माइनस नहीं होता, ये इससे कैरी मांगेगा, ये इससे कैरी मांगेगा, 3 इसको कैरी देके 10 बना देगा, खुद 2 रह गया, 10 ने इसको कैरी दिया, ये 10 हो गया और यहाँ पर 9 रह गया, 10 में से 6 माइनस किए 4, यहाँ 9 रह गया था क्योंकि ये कैरी दे चुका है, 9 में से 7 माइनस किए 2, यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचा था, 2 बाकी बच गया था क्योंकि कैरी दे चुका है, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0। इसके बाद अब देखें, हमने एक डेसिमल प्लेस तक आंसर निकाल लिया है, हमने 3 डेसिमल प्लेस तक जाना है। हम एक और जीरोस का पेयर लगाएंगे और उसको नीचे उतार लेंगे, ये 2400 हो गया। अब ये जो है 26, इसको डबल करेंगे,
26 इसको इसलिए रीड करेंगे कि 2.6 है, पॉइंट को इग्नोर करेंगे। 2.6 का 26 प्लस 26 तो 6 प्लस 6 12, 12 का 2 और 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5 52, ये हमारे पास 52 इसका डबल होकर आ गया है। हम यहां पर 52 लिख देंगे। अब 52 के साथ हमने यहां पर कोई सेम नंबर लगाना है जो यहां पर भी हो और आंसर हमारा 2400 या उससे लेस आए, तो हम यहां पर मुख्तलिफ नंबर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 52 अगर इसके साथ हम लगाएंगे 4 तो यहां पर भी 4 लगाना पड़ेगा, दोनों जगहों पर 4। देखते हैं आंसर क्या आता है। 4 4 16, 1 कैरी आ गया। 4 2 8 8 प्लस 1 9, 4 5 20, 4 5 20, 20 का 20 आ जाएगा, ये 2096 आ गया। लेकिन अब हम इसको 5 पर भी ट्राई करके देखेंगे, यानी कि ये 52 है इसके साथ 5 लगा के देखते हैं। 5 लगाएंगे तो यहां नीचे भी 5 आएगा, 5 5 50 25, 25 का 5 लगेगा 2 कैरी, 5 2 10, 5 10 10 में 2 जमा किए 12, 12 का 2 लगा और 1 कैरी आ गया, 5 5 25, 25 में 1 ऐड किया तो 26 26, 2625। ये देखें ये 2400 से ग्रेटर हो गया, लिहाजा हम इसको यूज नहीं करेंगे, ये वाला करेक्ट रहेगा जो कि करीबतर है। हम यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर भी 4 लिखेंगे और हमारा आंसर 524, 524 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2096 आया। इसको माइनस करेंगे, 0 में से 6 माइनस नहीं होता, ये इससे कैरी मांगेगा, ये खुद 0 है, ये इससे कैरी मांगेगा, 4 इसको कैरी देकर 10 बना देगा, खुद 3 रह जाएगा। अब ये 10 जो है ये इसको कैरी देगा, इसको 10 बना देगा, खुद 9 रह जाएगा। 10 में से 6 माइनस किए 4, यहां पर 9 है, 9 में से 9 माइनस किए 0, यहां पर 3 रह गया था कैरी देने के बाद, 3 में से 0 माइनस किया तो 3 रिमाइंडर बचेगा, 304 रिमाइंडर आ गया, 2 में से 2 माइनस किए 0, 2 डेसिमल प्लेस तक हमारा आंसर आ गया है। हमने 3 डेसिमल प्लेस तक जाना है लिहाजा में एक और 0 का पेयर लगाना पड़ेगा, ये पॉइंट के बाद 0 लग रही है इसलिए इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी जीरो चाहे लगा सकते हैं। ये जीरो का पेयर हम नीचे उतारेंगे, 30400, हम इसको 264 को डबल कर लेंगे, यहां पर पॉइंट को इग्नोर करेंगे तो 264 प्लस 264, आप इसको 264 को 2 से मल्टीप्लाई करके भी डबल कर सकते हैं, एक ही बात है। 4 प्लस 4 8 6 प्लस 2 6 12, 12 पे 2 लगेगा, 1 कैरी। अभी ये 1 में 2 प्लस किए 3, 3 में 2 प्लस किए 5, 528, 528 बन जाएगा, वो हम डबल करके यहां पर लिख लेंगे। अब 528 के साथ कोई नंबर यहां पर और यहां पर सेम लगाना है जिससे आंसर 30400, 30400 या इससे कम आए, तो हम यहां पर इसको करके देखेंगे मुख्तलिफ नंबर से मल्टीप्लाई और जो करीबतर होगा उसको हम इस्तेमाल करेंगे। 528 अगर हम इसको 5 से ही मल्टीप्लाई करें, यहां पर 5 लगाएं तो यहां पर भी 5 लगाना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 5 25, 25 का 5 लगा 2 कैरी, 5 8 40, 40 में 2 ऐड किया तो 42, 42 2 लगेगा, 4 कैरी आ जाएगा। 5 2 10, 5 तो 10 10 में 4 ऐड करेंगे तो 14, 14 का 4 लगेगा, 1 कैरी। 5 5 25, 5 5 25 25 में एक ऐड करेंगे तो 26 26 आ जाएगा। अब ये 26425 है, हम एक दफा 6 लेकर देखते हैं, अगर हमारे पास 6 से ज्यादा करीब आंसर आता है तो हम 6 को यूज करेंगे, अदरवाइज हम इस 5 को यूज करेंगे। 5 2 8, यहां पर 6, यहां पर 6 यूज करके देखते हैं, वैसे आंसर इससे ज्यादा आएगा, हम 6 को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे लेकिन फिर भी हम इसे सॉल्व करके देखते हैं, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। 6 6 36, 36 का 6 लगेगा और 3 कैरी। 6 8 48, 6 8 48, 48 में 3 ऐड करेंगे तो 51, 51 का 1 लगेगा, 5 कैरी।
सिक्स टू द 12, 6 दो 12, 12 में 5 ऐड करेंगे तो 17, 17, 17 के साथ लगेगा 1 कैरी, 6, 5 द 30, 30 में 1 ऐड करेंगे तो 31, 31 ये देखें 6 से मल्टीप्लाई करने से ये ज्यादा हो गया, 30,000 से ये 31,000 है, लिहाजा हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसी 5 वाले को यूज करेंगे। तो यहां पर भी 5 लगाएंगे और यहां पर भी 5, 5 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आया था 26,425। इसको माइनस करेंगे, जीरो में से 5 माइनस नहीं होता, ये इससे कैरी मांगेगा, ये खुद जीरो है, ये 4 से कैरी मांगेगा, 4 इसको कैरी देगा, 10 बना देगा, खुद ये 3 रह गया। अब ये 10 बन गया तो 10 इसको कैरी दे सकता है, ये 10 कैरी देने के बाद 9 रह गया और इसको 10 बना दिया, 10 में से 5 माइनस किए तो 5 रिमाइंडर आया, यहाँ पर 9 है, 9 में से 2 माइनस किए 7, यहाँ पर 3 रह गए थे कैरी देने के बाद, 3 में से 4 माइनस नहीं होते, ये इससे कैरी मांगेगा, ये खुद जीरो है, 0 3 से कैरी मांगेगा तो ये कैरी से देगा, खुद 2 रह जाएगा और इसको 10 बना देगा, 10 जब 4 इसको 3 को, यहाँ पे 3 मौजूद था याद रहे, यहाँ पे 3 को कैरी देगा तो खुद 9 रह जाएगा और इसे 13 बना देगा, 13 में से 4 माइनस करेंगे तो 9 आएगा रिमाइंडर, और यहां पर 9 है, 9 में से 6 माइनस किए तो 3, यहां पर 2 रह गया था, 2 में से 2 माइनस किए 0, ये हमारे पास 3975 रिमाइंडर आया। अब ये देखें हमने 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर निकाला है, हम यहां पर लिखेंगे 2.645, ये हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 इसके 4 पार्ट का फाइनल आंसर 700 का 2.645। आज हमने एक्सरसाइज 1.8 क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट सॉल्व किया है और उम्मीद है आपको क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। थैंक यू।